नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी खाना देसी व्लॉग में। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि तब हम सब्जी बनाते हैं तो हमारे पास बच जाती है। तो आज मैं इस सब्जी से नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि क्यों ना मैं इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करूँ। तो लगभग मैंने आलू को मैश कर ही लिया था, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और आपके बहुत काम भी आएगी और इससे बहुत अच्छा नाश्ता भी बनता है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ना मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब आटे में ये सारी सब्जी डाल देंगे और इसके अंदर एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। आपको प्याज को बिल्कुल बारीक काट लेना है और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। अब इसके अंदर जाएगा आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी दो चुटकी भर और आधी चम्मच जीरा और इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसके अंदर एक छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और अजवाइन को ना हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे इसका अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये खाने को भी डाइजेस्ट करने में मदद करती है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा लगा लें। अगर ऐसा है कि आपके पास आटा कम है सब्जी ज़्यादा है तो फिर आप पानी ना डालें, सिर्फ सब्जी से ही आटा लगा के तैयार कर लें। और अब इसमें मेरे पास आटा ज़्यादा है और सब्जी सूखी भी थी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका स्मूथ सा आटा लगा लूँगी, जैसे हम पूड़ी या फिर रोटी का लगाते हैं उस तरह का। और अगर आपके पास तरी वाली सब्जी बची है तो उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, बस उसमें पानी कम लगेगा। तो अभी इसके ऊपर ना थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे ताकि आटा है वो चिकना सा हो जाए। आप ना एक बार इस तरह से बची हुई सब्जी से नाश्ता बना करके देखिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये आटा लगा के ना तैयार कर लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि परात बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थी। और यहाँ पे कपड़ा लेंगे, सरफेस पे ना थोड़ा कपड़ा बिछा लेंगे ताकि चकला बेलन खिसके नहीं। और चकला बेलन पे ना मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, अगर आप सूखा आटा लगा के बेलना चाह रहे हैं तो उससे भी बेल सकते हैं। फिर इसके बाद ना इसकी पूड़ी के साइज़ की लोई काट लेंगे, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि ये ज़्यादा हम पतली नहीं बेलेंगे। अगर ज़्यादा पतली बेल लेंगे तो फिर ये फटने लग जाएंगी और फूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें प्याज और हरा धनिया डाला है ना इस वजह से। तो देखिए मैं आपको उठा करके दिखाती हूँ कि किस तरह की आपको पूड़ी बेल के तैयार करनी है। तो बस इस तरह की आप पूड़ी बेलिए, ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी पूड़ी से मोटी है। और फिर उसके बाद ना मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो गया है। इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आप पूड़ी को फ्राई करें ना तो उन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो फिर वो तेल ज़्यादा सोख लेती है। तो बस आपको इसी तरह से उलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। आप ये पूड़ियाँ ना किसी भी सब्जी से बना सकते हैं, जैसे आपके पास अगर तरी वाली सब्जी है तो आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर दाल है तो दाल की पूड़ी भी बना सकते हैं। तो अब से ना जब भी आपके पास सब्जी या फिर दाल बचती है ना तो उसे फेंके नहीं, इस तरह से आप नाश्ता बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप ना सुबह नाश्ते में चाय या फिर दही के साथ जब ये पूड़ियाँ सर्व करेंगे ना तो सब आपकी तारीफ करेंगे। एक तो सब्जी भी वेस्ट नहीं होगी और ये नाश्ता भी टेस्टी बनेगा और ना ही आपको इसके साथ किसी सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे सूखा भी खाएंगे ना तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस इसी तरह से सभी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। साथ में ही ना मैंने इसमें हरी वाली मिर्ची फ्राई कर ली थी, जो कि दही पूड़ी और ये हरी मिर्च के साथ बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बनी हुई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी अपनी बची हुई दाल या फिर सब्जी से इसी तरह से नाश्ता बना करके खाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं खाते हैं तो अब से खाना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए एक ना मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ऊपर से तो थोड़ी क्रिस्पी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट पूड़ी बन करके तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।